प्यारा सजा है तेरा द्वार भवानी, प्यारा सजा है तेरा द्वार भवानी, बड़ा न्यारा सजा है तेरा द्वार भवानी, न्यारा सजा है तेरा द्वार भवानी, भक्तों की यहाँ भक्तों की तेरे भक्तों की लगी है कतार भवानी, भक्तों की लगी है कतार भवानी, बड़ा प्यारा सजा है तेरा I'm not afraid.
Thank you.
सच्चे दरबार की सभी लोग हाथ में दे दो भैया, पैसा जितने हैं चलिए टीका लगवाते रहे और बैठते रहे। यहाँ जिन बच्चों के मम्मी या पापा, मम्मी पापा यहाँ पर हैं, उनके चरण छूकर आशीर्वाद लें जरूर, तभी माँ भगवती आशीर्वाद देगी। और जिन्हें टीका हो जाए वो पीछे होके विराजमान हो जाना अपने स्थान पर। आए किस तरह से कहते हैं हमारे भैया, चार से घर जगम 2031 रुपए की अरदास, जो प्रदेश की अरदास, परिवार की तरफ से अरदास, नई कमाई में से अरदास, महारानी की जाने जा रहे, जिस खजाने से ये सेवक तेरे भक्त ने, संतरी तेरे भक्त ने तेरे नाम की अरदास करा, अरदास कबूल करना, घर के अंदर सुख शांति देना, कहे सच्चे दरबार की जय। अब आइए सभी लोग तिलक लगवाते रहिए और जो बाकी हैं अरदास कराते रहेंगे और तिलक लगाते रहेंगे। राजेश भैया जय माता दी। जयकारा शेर वाले अरदास, 101 रुपए की अरदास, एक समय में अरदास, रुखदास जी की अरदास, 101 रुपए की अरदास, अल्लाह से कबूल करना, कहे सच्चे दरबार की जय। और अरदास मेरे सेवक की अरदास, एक समय में अरदास, खुद अरदास, अल्लाह से कबूल करना। सुनी जमा के आने की आहट,
कोशिश करें अभी और थोड़ा चाय पानी दूध फल फ्रूट ले लें, सुबह कन्या पूजन करके अगर रोटी खाओगे तो और अच्छा रहेगा, बेहतर रहेगा।
I'm not
कह दो, दोनों हाथ उठा के सच्चे ही दरबार की। सुनेगा वंदना ही तो बहुत है, अगर करते रहे तो सारी रात निकल जाएगी। कभी शिव वंदना, कभी गुरु वंदना, कभी राम वंदना। चलो समय की कदर करते हुए माँ भगवती के दरबार में पहली वंदना है जी। चले माँ के दर पे नजारे मिलेंगे। आओ जो जो माँ का सहारा लिए बैठे हो वो जरूर कहें दोनों हाथ। मंदिर बने घर के आगे उठा के जरा दोनों हाथ दिखाना और अटास लगा के देना और ताली लगा के देना। दरवाजा खोलो तो ऐसे ध्यान लगाओगे तो माता रानी कहीं ना कहीं किसी रूप में जरूर दिखाई देगी। जरा दोनों हाथ खोल के ताली बजा के कहना दरवाजा खोलो Thank you.
दो सच्चे दरबार की जी।
पर मुझे भाव बनाना और भक्तों का उधर ध्यान लगाना बड़ा अच्छा लगता है। अभी लेडीज कलाकार आ जाएगी थोड़ी देर में, उनका काम ही है हाथ पकड़ के उठाना और नचाना, जी भर के नाचना। लेकिन अब तक भजन सुन रहे हो तो बड़ी अच्छी बात है। अच्छा, यहाँ तक जिनको भजन अच्छे लग रहे माता रानी के, हाथ उठा के ईमानदारी से बता देना और ताली बजा के देना। अपनी मर्जी से कौन कौन आया इस जगराते में, जो अपनी मर्जी से आया है हाथ उठा के दिखाना। सब बेकार है। अरे माँ ने बुलाया है, ना जाने कितने रिश्तेदार दोस्त मेहमान अड़ोसी पड़ोसी बुलाए होंगे, आए हुए हैं जिन्हें माँ ने बुलाया। मैं भी माँ की कृपा से आऊँ, वरना मैं क्या जानता था। और जो माँ की कृपा से हमारी, जरा हाथ उठा के और ताली बजा के गाना। आया है जो तेरे घर पे मैं, we'll be right back.
गुस्सा है, जरा हाथ उठा के ताली बजा के कहना कि माँ तेरी कृपा न होती तो कैसे ये घर चला, तेरी कृपा न होती तो कैसे ये घर चला, तेरी कृपा न होती तो कैसे ये घर चला, तेरी कृपा न होती तो कैसे ये घर चला, तेरी दया पिता मेरी भैया बच्चों को क्या खिला, कर नहीं है तेरे चलाए से चल नैया Oh,
Thank you.
चौके पानी से तेरे चरण पथारूंगा मैं, चौके पानी से तेरे चरण पथारूंगा मैं, पलकों की कंघी से तेरे बाल संवारूंगा मैं, पलकों की कंघी से तेरे बाल संवारूंगा मैं। शंकर भगवान के मंदिर में जाओ तो ओम नमः शिवाय लिखा मिलेगा, माँ के मंदिर में जाओ तो जय माता दी लिखा मिलेगा, राम दरबार में जाओ तो श्री सीताराम लिखा मिलेगा। दुनिया में यही एक ऐसा धाम है, ऐसा एक मंदिर है जहाँ लिखा मिलेगा हारे का सहारा, हारे का सहारा, बाबा श्याम हमारा। दोनों हाथ उठा के बोलो बाबा श्याम, और ताली बजा के बड़े भाव से बड़े चाव से तेरा नाम करेंगे, बड़े भाव से बड़े चाव से तेरा नाम करेंगे, बड़े भाव से बड़े चाव से तेरा नाम करेंगे, बड़े भाव से बड़े चाव से तेरा नाम करेंगे, जहाँ रखोगे कदम कन्हैया वहीं पे हाथ धरेंगे, जहाँ रखोगे कदम कन्हैया वहीं पे हाथ धरेंगे, जहाँ रखोगे कदम कन्हैया वहीं पे हाथ धरेंगे, जहाँ रखोगे कदम कन्हैया वहीं पे हाथ धरेंगे। दोनों हाथ उठा के बोल दो जय श्री श्याम, बोल बोल कहां पे ले जा रहा है, इसके आगे ले जा रहा है, अभी तो नहीं है, चाहते एक बार जरा दोनों हाथ उठा के कहो, बहुत सुंदर शब्द है भैया आपने बाकी दी फरमाई साहब, जरा ध्यान देके सुनिएगा और ताली बजा के कहना, आएगा आएगा God.
भोग बने प्रसाद जो फिर मिल जाता है हमको।
गुलकंद से, गुलकंद से भरी वो सुपारी ना
Oh,
Shiva, Om Namah Shivaya.
के कण के बराबर है और मेरी शक्ति अपार है, तो मुझे मत छेड़। भक्तों की रक्षा करने वाली दुर्गा हूँ मैं, और तुम जैसे दुष्ट को वध करने वाली पंडिता भी मैं हूँ। चंडाल ने तुम्हारी असलियत दिखा दी है मुझको, तुम कौन हो मुझे मालूम है। जानते भी काहे को तुम मेरे सामने आए। ये गोरख क्या वस्तु है तुझे जताने के लिए, गला घोट के मैं तेरे दिमाग के चंडाल को बलि दूंगा। तेरे जैसे बहुत से गोरख घूमते हैं, ये तुमको भयानक मौत दे चुकी हूँ। माँ दुर्गा के गले में मुंडों की माला देख तो सही। नहीं, तेरे मुंड को काट के हार के रूप में मैं पहनने को आया हूँ यहाँ। Yeah.
कभी नहीं होती। अघोर का अर्थ तो है कि वो जो घोर ना हो, जो स्वयं भय से मुक्त हो, सरल जीवन, सहज विचार जिसके प्रमाण हो, जो अपने अहंकार, अपने विकारों की बलि देकर स्वयं को पवित्र कर सके, वही है सच्चा अघोरी। मृत्यु अमृतंगम अमृतंगम जय जय मंजीत।
जलता है, क्या कभी अंबर से सूर्य बिछड़ता है, क्या कभी बिन बाती दीपक जलता है। कैसी है अनहोनी हर आंख हुई रंग, छोड़ गया जो तू कैसे जिएंगे हम। तू ही किनारा तू ही सहारा, तू जग सारा तू ही हमारा सूरज तू ही तारा। Bum 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 b
गम गम रूपा चे पम 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 बोलाना चे गम 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 रूपा चे पम 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 बोलाना चे गम रूपा चे बोलाना चे गम रूपा चे बोलाना चे Hare 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 Hare